स्पेस ट्रैवलर राकेश शर्मा की वो बात, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सर्वोच्च सर्वव्यापी समृद्ध शक्तिशाली जो पृथ्वी का सबसे लोकप्रिय और बलवान है। मैं बात कर रहा हूं मेरे देश की, मेरा भारत महान है। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं जब अपने देश के नाम कुछ लिखता हूं। इस मातृभूमि से इतना प्रेम है यार, मैं इसकी मिट्टी से भी सीखता हूं, चीखता हूं और जोर से कहता हूं मुझे मेरे देश पे गर्व है। इतना प्यार प्रेम, हजारों रीति रिवाज, जहाँ हजारों सांस्कृतिक पर्व हैं। हमारा भारत महान था, महान है, महान ही रहेगा, क्योंकि हमें अपने देश पे गर्व है। हजारों कम्युनिटीज, पावरफुल डेमोक्रेसी, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, हमने हर फील्ड पे झंडे गाड़े। हमारे पास है दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, यूज पॉपुलेशन, यूज एरिया सबसे ज़्यादा यंग यूथ, बेस्ट मैन्युफैक्चर एरिया। कितना सुंदर है ये वातावरण, कितने प्यारे प्यारे लोग, हमने सबको बना दी। जहाँ बसते हैं अनेकों लोग, अनेकों धर्म और धार्मिक गाथाएं, जहाँ लोकतंत्र ने सबको आज़ादी दी है, ना कोई बाधा। दुनिया की सबसे महंगी चीज शिक्षा और ज्ञान है। तक्षशिला दुनिया का पहला स्कूल जो मेरे देश की पहचान है। योग शिक्षा की उत्पत्ति मेरे देश की देन है। जीरो हमने दिया, डिजिट कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री हमने दिया, जहाँ स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। अनेक धर्मों में बटा मेरा देश जो मेरे देश की शान है। भगवद गीता, गुरु ग्रंथ, बाइबल और कुरान है, दुनिया के केंद्र बिंदु से स्थित अनमोल इन किताबों का ज्ञान है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे देश की, मेरा भारत महान है। आज लोग कंपेयर कर रहे हैं हमें दूसरे देशों से, हम यूनिक हैं। हमारा भारत सबसे प्राचीन है, हम हर चीज़ से भरपूर, सब हमारे देश के अधीन है। हम 1800 से पहले भी अमीर थे, हम अभी भी अमीर हैं। हमारा बहुत बड़ा विजन है, बस जीत के करीब है। यार हमने कितने देशों का अस्तित्व बनाया है जिनका ना कोई नामो निशान था। हमने कोहिनूर को भी बांटा, तुमने छीना या हमने दिया, तुम गरीब थे, तुम पे हमारा एहसान था। मेरे देश ने सबको कुछ ना कुछ बांटा है, लेकिन सब एहसान फरामोश थे। हमने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया, क्योंकि हम अभी तक खामोश थे। अब नए ज़माने का भारत है, नए ज़माने की बात। हमने साइंस टेक्नोलॉजी में भी दक्षता हासिल कर ली है, इसरो ने स्पेस में भी रख लिया है हाथ। PSLV-C37 जैसे प्रोजेक्ट, एक रॉकेट में 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके हमने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किया है। अब सिर्फ मेड इन इंडिया होगा, हमने एक्सटर्नल इंपोर्ट्स को बायकॉट किया है, निश्चित किया है आत्मनिर्भर बनने का, एक अलग लेवल पे मैन्युफैक्चर करेंगे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स का साथ, अब हम एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। आज पूरी दुनिया हमसे दोस्ती करना चाहती है, इसी फेमसिटी को देख के हमारे पड़ोसी हमसे जल रहे हैं। अब हम खुद के पैरों पे खड़े हो गए, लेकिन कुछ लोग अभी दूसरों के पैरों पे चल रहे हैं। बहुत बड़े एहसान है हमारे इस दुनिया पे, कुछ लोग अभी भी हमारे एहसानों पे पल रहे हैं। हमें गर्व है अपनी आर्मी पे, हमें गर्व है अपने लीडर्स पे, हमें गर्व है अपने एंटरप्रेन्योर्स पे, हमें गर्व है अपने किसानों पे, हमें गर्व है अपनी संस्कृति पे, हमें गर्व है खुद पे। हम जहाँ भी चले वहाँ हमारे निशान है, पूरी दुनिया में छाया मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। सबसे आगे सत्यमेव जयते जो हमारी पहचान है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे देश की, मेरा भारत महान है। मैं बात कर रहा हूँ मेरे देश की, मेरा भारत महान है। और अंत में, अगर आप मेरी तरह सच में यार देश से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यार अब हमें आगे बढ़ना, हमारे पास रीजन है, हमें कामयाबी हासिल करना है, हमारा यही विजन है। नाउ एवरी टाइम गॉट समथिंग बिकॉज आई एम विद यू।